जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी भारत में नहीं पूरे विश्व में दूसरी लहर लगभग समाप्ति को रहे, लेकिन चिंता का विषय यह है कि तीसरी लहर भी आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और उनकी इच्छा भी थी कि एक धारी परंपरा हमारी कांवड़ यात्रा है वह पालन हो, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा आखिर करना ही ठीक है। और सभी शिव भक्तों से, कांवड़ यात्री भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग संभवतः अपने अपने गांव के जो शिवालय हैं वहां पे गंगा का जल अभिषेक करें, अथवा अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके माँ गंगा का जल अभिषेक करें, क्योंकि अगर हम आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। एक बार पुनः सभी शिव भक्तों से, कांवड़ यात्रियों से मेरा निवेदन है, अपील करता हूँ कि आप लोग सरकार का जो आदेश है, सरकार का जो नियम है, जो कानून, उसका पालन करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, उनकी इच्छा थी कि कांवड़ यात्रा हो, लेकिन चूँकि तीसरी लहर सनिकट है और उसको देखते हुए आप लोगों की सुरक्षा हेतु ही यह निर्णय लिया गया। तो कांवड़ यात्रा एक बार, जैसे पिछली बार आप लोगों ने सभी संतों की अपील मानी, हमारी अपील मानी, इसी तरह से आपसे निवेदन है कि इस बार भी आप लोग कांवड़ यात्रा आश्रित करके अपने अपने घरों में शिवलिंग जहाँ जहाँ हैं, जहाँ जहाँ महादेव का मंदिर है, कम संख्या में और कोरोना का काल के जो गाइडलाइन है, मास्क लगाएं, दूरी बना करके भगवान शिव का जलाभिषेक करें।